अच्छा जी, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप गेमिंग थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है जी। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक थंबनेल बनाना बताया था, ठीक है जी। तो आज मैं आपको गेमिंग थंबनेल बनाना बताऊंगा। सबसे पहले आप फाइल में आ जाएं, न्यू पे क्लिक करें, यहाँ से साइज ले लीजिएगा 1920 और हाइट ले लीजिएगा 1080 और रेजोल्यूशन 72, RGB कलर, ठीक है जी। क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ से एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल मैंने यहाँ से ले ली और इसको उठा के मैंने यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ फेंक दिया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एडिट पा के फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और फाइल में आके ओपन पाऊंगा। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये, मेरे ख्याल से ये सही लेगा, ये ले लेता हूँ। ओपन कर लिया इसको, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल टी से और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसको यहाँ घुमा देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लेयर पे क्लिक करते हैं, लेयर वन पे, और यहाँ से ले लेते हैं ग्रेडियंट मैप, ठीक है जी। ग्रेडियंट मैप पे आप क्लिक करें और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैक एंड वाइट। और ब्लैक एंड वाइट लेने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, जो ब्लैक है उसको हम डार्क ब्लू कर देते हैं थोड़ा सा, और लाइक दिस। और जो वाइट कलर है उसको हम ले लेते हैं लाइट ब्लू, ठीक है जी। और ओके कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। अच्छा जी, एक काम और करते हैं कि हम इस पर क्लिक करके दोबारा इसको भी डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। ये सही है, ओके करते हैं, ओके करते हैं। और एक लेयर और खोलते हैं और उस पर हम करते हैं सॉलिड कलर, ठीक है जी। बल्कि एक काम करते हैं, सही है, तो एक काम करते हैं हम इसको सॉलिड कलर कर देते हैं और कलर लेते हैं हम डार्क ब्लू, ओके। और इसकी ओपासिटी हम थोड़ी कम करते हैं और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉन्ट ले रहा हूँ और यहाँ से मैंने पहले तो क्लिक कर देता हूँ, वाइट फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। और फॉन्ट लेता हूँ मैं लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है जी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ शूट। अच्छा, टेक्स्ट सोच लिखिएगा कम, मतलब कम हो तो ज़्यादा अच्छा, ताकि दिखने में विजिबल हो। शूट एंड शूट एंड रन, इसको भी मैं लॉन्ग शॉट दे देता हूँ। ये लॉन्ग शूट रन, अच्छा ये नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये फॉन्ट आपको मिल जाएगा फ्री में, आप ये लॉन्ग शूट के नाम से है फॉन्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, लॉन्ग शूट के नाम से फॉन्ट मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ठीक है, इसको मैं आशा करता हूँ छोटा। इसको यहाँ रखता हूँ, गलत आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इसका हम कलर चेंज करते हैं शूट का, हम येलो कलर ले लेते हैं जो इसके ऊपर हुआ हुआ है, थोड़ा सा ब्राइट ले लेते हैं, इसे उठा लेते हैं, ओके। ऑरेंज येलो, ओके ठीक है जी, ये ले लिया, ओके करा, और ये ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। उसके बाद इसके नीचे एक लेयर खोलते हैं, ब्रश लेते हैं, इसका साइज बड़ा करते हैं ब्रश का,
कलर हम सेलेक्ट करते हैं यही ये वाला, और उसकी बैक साइड पे मारते हैं कैसे, एक बल्कि एक दो, और एक इसके हेड पे भी मार देते हैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करके। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, आपके इस पर कंट्रोल क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के रखिएगा, इस लेयर पे क्लिक कीजिएगा, सिलेक्शन लोड हो जाएगी, एक लेयर खोलिएगा और यहाँ से ले लीजिएगा ओवरले, और कंट्रोल एच करेंगे तो सिलेक्शन जो आ रही है थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी, और दोबारा अगर कंट्रोल एच करते हैं तो ये आ भी जाएगी। फिलहाल मैंने कंट्रोल एच करा और कलर यहाँ से लिया मैंने वाइट, और साइड्स पे इसके हल्का हल्का फिरना स्टार्ट करा। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का साइड्स पे, ठीक है जी, हल्का हल्का यहाँ पे, उसके बाद सिलेक्शन अभी हमारे पास मौजूद है, कंट्रोल एच से आप देख सकते हैं। एक लेयर और खोलूंगा और इसका कलर यहाँ से मैं लूंगा ब्लेंडिंग ऑप्शन स्क्रीन, और यहाँ से मैं ऑरेंजिश कलर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल एच से दोबारा हाइड कर, और थोड़ा सा यहाँ पे अब मैं इसको फेरूंगा ऐसे, थोड़ा सा साइड में दीजिए। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा हल्का सा, थोड़ा सा यहाँ पे दीजिए, ओके, थोड़ा सा मेरे ख्याल से काफ़ी है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से फिर आपने लेना है पॉलीगनल लैसो टूल, और इस तरह आपने बारीक सी लाइनें बना ले रही हैं इस तरह, यूं करके यूं, और उसमें कलर दे देना, एक नई लेयर लेके वाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, तो और सा कंट्रोल इसके पतला कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो एक यहाँ रखा, इसको उठा के फिर कंट्रोल जैसे थोड़ा इसको आपने यहाँ रखना है, फिर इसकी डुप्लीकेट बनाई, एक आपने राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसको घुमाया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है जी, फिर इसकी डुप्लीकेट करिए, यहाँ रख दिया आपने, और इसको यहाँ एडजस्ट करें, फिर इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया, और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको पीछे कर लें, थोड़ा सा इसको आगे कर लें। अच्छा जी, उसके बाद करना है क्या है कि आपने एक लेयर खोलनी है, ये जो ब्लू कलर है इसके ऊपर एक लेयर खोलनी है आपने, और यहाँ से लेना है आपने दोबारा पॉलीगनल लैसो टूल, और यहाँ पे एक जिग जैग किस्म की लाइन्स बनानी है, यहाँ से स्टार्ट लेना है आपने, और इस तरह आपने टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ जिग जैग सी लाइनें बनानी है। स्लो स्लो, आराम आराम से, आप देख सकते हैं।
और पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, ये सिलेक्शन बन जाएगी। अब आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये जो सिलेक्शन ही है ये इन्वर्स हो जाएगी। उसके बाद आप करेंगे कंट्रोल बैक स्पेस, तो वाइट कलर इस पर आ जाएगा। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो ये आपके पास इस किस्म का ही डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो लाइंस इनको आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लीजिएगा और वाइट कलर सेलेक्ट कीजिएगा और एक लेयर खोलिएगा और यहाँ पे साइड्स पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ से ले लीजिएगा इसको ओवरले। ठीक है जी, इसको उठा के आप यहाँ नीचे रख सकते हैं इधर। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ से मैं कुछ एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ। ये ऐड कर देता हूँ, ये दो चीज़ हैं, ओपन कर लेता हूँ। उसको उठा के मैंने यहाँ रखा, ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। ये यहाँ आ गया और इसका कलर कंट्रोल यू से मैं चेंज कर देता हूँ, येलोइश कर देता हूँ। ठीक है जी, तकरीबन ठीक ही है, सही है। इसके अलावा फिर मैं उठाता हूँ ये, इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ, इसको भी यहाँ रखता हूँ और कंट्रोल टी राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको उठा के ऊपर, कंट्रोल यू, इसको भी येलोइश कलर, येलोइश कलर सही रहेगा यहाँ से। ओके जी, अब हम सबसे टॉप पे आते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं हम ये कर्व ले लेते हैं, और कर्व लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा इसको नीचे। ठीक है जी, इसके अलावा हम यहाँ से लेते हैं कलर बैलेंस और इसका ब्लू थोड़ा सा कलर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, और यहाँ से लेते हैं हाईलाइट और इसके ब्लू को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर रखते हैं, नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे रहने देते हैं, ये सही है। और शेडो को थोड़ा सा, बस ये हो गया। अच्छा, ये आपका बन गया प्रोफेशनल थंबनेल फॉर यूट्यूब। अगर आपको कोई गेमिंग चैनल है तो आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से इसको। इसके अलावा इसी में थोड़ी सी एक मैं वेरिएशन लाता हूँ, आपको मज़ा आएगा देख के। ये मैंने यहाँ से इसका वाइट कलर बंद करा, यहाँ पे मैंने गरंज टाइप का फ्रेम है, ठीक है, ये मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें इजीली। इसको यहाँ रखा, इसको ऐसे ऊपर लेके गए, इसको यहाँ लेके आ गए नीचे थोड़ा सा, इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपने करना है क्या है, कुछ भी नहीं, इंटर मारें, कंट्रोल यू करें और इसको पूरा वाइट कर दें। चाहे तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ये गरंज फ्रेम में ऐड कर दूंगा ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। बाय बाय, थैंक यू।